हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रेलवे से आई नई 49 ट्रेनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 49 ट्रेन जो है नई चलाई जा रही है और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं 3547 बसों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा, 3547 बसें भी चलाई जा रही हैं तमाम मजदूर गरीब भाई बहनों के लिए, साथ ही प्रवासियों के लिए, पर्यटकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इन तमाम लोगों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध की गई है। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये आपने इसकी बुकिंग नहीं की तो आप जल्द से जल्द इसकी बुकिंग करा सकते हैं। और कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही बता दो दोस्तों, मजदूरों को जो है टिकट मुफ्त मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जो भी गरीब मजदूर है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी टिकट नहीं खरीद पा रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको ये सुविधा मुफ्त दी जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए, तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, रेलवे से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल के साथ। तो चलिए मैं आपको बता दूं ये ट्रेनें कहाँ से चल रही हैं और कितने कैसे आप जो है इसमें बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पेपर में जो है आर्टिकल भी आया हुआ है। मैं आपको प्रूफ के साथ हर वीडियो बताता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी झूठ है। जी हाँ दोस्तों, आपको सारी खबरें मैं जो है ऑफिशियल बताता हूँ, यानी कि जो सरकारी जो है न्यूज आती है मैं उसी चीज को आपको जो है बताता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ पेपर में भी आर्टिकल, ठाणे, कल्याण और भिवंडी से छूटी 49 नई ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, और 3547 बसें, तो ये 3547 बसें भी चल रही हैं, साथ में 49 नई ट्रेन भी। जानेंगे इस खबर का विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं मुंबई में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और अन्य प्रवासियों को उनके गाँव पहुंचाने के लिए थाना से, कल्याण से, भिवंडी से, इन स्टेशनों से जो है 49 जो है ट्रेनें जो है चलाई जा रही है, जिसमें से ज्यादा जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं, यानी कि मजदूरों के लिए हैं, गरीबों के लिए जो फ्री होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पैसे नहीं लगते और ये ट्रेनें जो है यूपी और बिहार और अन्य राज्यों के लिए रवाना की गई। इस कार्य में पुलिस के जो आयुक्त हैं विवेक फंसलकर ने कुशल मार्गदर्शन के में, जी हां दोस्तों, इन्हीं के जो है मार्गदर्शन में जो है ट्रेनें चलाई गई हैं। और कोरोना काल में लॉकडाउन, कर्फ्यू आदि की वजह से मुंबई थाने में पुलिस की भूमिका काफी बढ़ गई है। कई पुलिस कर्मी जो तो कोरोना के शिकार भी हो चुके हैं, ऐसे में प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर भेजने की जिम्मेदारी भी पुलिस को निभानी पड़ी। थाना में आप देख सकते हैं पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र में 49 ट्रेनों के माध्यम से कितने लोगों को 66,530 पर प्रांतीय मजदूरों को उनके गांव भेजने की जो है मदद की गई। इसके साथ 3547 बसों पर बिठा के 89,672 लोगों को भेजा गया। तो दोस्तों, ये चीजें अभी भी चालू हैं, अगर आप में से किसी को भी जो है जरूरत है, अगर आपको जाना है तो आप जो है अभी भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ 281,717 पास जारी किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इतने पास जो है लॉकडाउन के समय जारी किए गए थे। थाना पुलिस आयुक्त विवेक फंसलकर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवा, आपत्ति परिस्थितियों में यात्रा के लिए 281,717 पास जो है जारी किए गए। इनमें से 260,750 ऑनलाइन और 20,967 जो है ऑफलाइन पास जो है जारी किए गए थे। इस काम के लिए पुलिस की आयुक्तालय में 24 घंटे मदद केंद्र कार्यरत है। श्रमिकों को मांग को देखते हुए थाने पुलिस के सहयोग से शुक्रवार को भी थाने से यूपी के लिए ट्रेन रवाना की गई। तो दोस्तों, ट्रेनों का सिलसिला रुका हुआ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी किसी को भी जाना हो अपने गाँव प्रदेश, तो जो है जा सकता है आसानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कुछ ट्रेनों के मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे देखिए, महानगरी एक्सप्रेस जो है मुंबई से वाराणसी के लिए चलाई जाती है, 11093 डाउन और 11094 अप। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जो है अप एंड डाउन चालू हो चुकी है, तो आप इसमें भी जो बुकिंग करा सकते हैं। महाराष्ट्र एक्सप्रेस भी चालू कर दी गई है, कोल्हापुर से चलती है 110/39, ये गोंदिया तक के लिए जाती है, ये ट्रेन में भी आप बुकिंग कर सकते हैं। वाराणसी देहरादून के लिए, जी हाँ दोस्तों, 142/65 अप, 142/66 डाउन, दोनों ही जो है आपको चालू कर दी गई है, तो आप जो इस ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजों की टिकटें जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मदुरै से देहरादून के लिए भी अगर आपको सफर करना है तो जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन में भी आप जा सकते हैं। और स्पेशल ट्रेनें अलग से चल रही। जी हाँ दोस्तों, ये सारी ट्रेनें जो पहले चलती थी उनको जो है चालू कर दिया गया है, साथ ही स्पेशल ट्रेनों को जो है अलग से चालू किया गया है। पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे आना है तो भी देखिए, सिंगड़ एक्सप्रेस जो है वो चालू कर दी गई। इसका नंबर भी देख लीजिए, मैं आपको नंबर के साथ बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 110/10 अप एंड 1109 डाउन। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है आपका ट्रेन नंबर है। तेजस एक्सप्रेस आपको पता है, प्राइवेट ट्रेनों के बारे में मैंने पहले ही आपको कहा
कि सभी प्राइवेट ट्रेनें चालू कर दी गई हैं, तेजस हो चाहे महाकाल हो, चाहे वो कहीं से भी जाती हो। राजधानी की बात भी कर लीजिए दोस्तों, मुंबई से राजधानी जा रही, मुंबई से नई दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर, यानी राजधानी जहां भी चलाई जाती थी वहां पे सभी रूटों पे जो है ट्रेन चालू कर दी गई है। तो दोस्तों आपको बस से जाना हो तो आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जाना तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। अगर किसी को और जानना हो, यानी आपको किस गाँव में जाना है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इनमें से आपकी ट्रेन नहीं है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस राज्य में जाना है, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब को लेकर आए। और आपके लिए जितनी भी ट्रेनें आपने जो मेंशन करेंगे, जैसे कि अगर आपको चेन्नई से कोलकाता जाना है, या फिर मुंबई से चेन्नई जाना है, या यूपी जाना है, या बिहार जाना है, या तमिलनाडु जाना है, कहीं पर भी जहां पे भी आपको जाना हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको जो है उस रूट की सभी ट्रेनों के नाम नंबर के साथ आपको अपने अगले वीडियो में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है कि हमने इतनी मेहनत की तो उसका आपने जो है सराहा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई भी खबर रेलवे से जुड़ी आपके पास हमेशा सबसे आगे पहुंच जाएगी।